हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूजिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ दी सिपर का पार्ट नंबर 5। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वेट, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ जाकर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डॉक्टर आते हैं किम को एग्ज़ामिन करने के लिए। तो वो चेक करके उसे कहते हैं कि अब तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा नोज़ से ब्लडिंग हुई थी। मैंने सिम्टम्स चेक करे, कोई भी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर कल तक तुम्हें कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है फिर हम तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, मतलब घर भेज देंगे। तो वहाँ पर उसके साथ होता है वे भी। तो वहाँ पे ना डॉक्टर उससे सवाल करने लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है, कोई सवाल है। तो यहाँ पे जो किम होता है ना, वो एकदम से कहता है नहीं का। तो का मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ ये यूज़ करती है वर्ड। तो इस वर्ड को सुनने के बाद वहाँ पे कहने लग जाता है वे, क्या कहा तुमने, का? तो वो कहता है नहीं, मेरा मतलब है क्रैप, मतलब जो वर्ड वहाँ पे बॉयज़ यूज़ करते हैं। लेकिन हमें तो पता है कि किम की बॉडी में फ़िलहाल जो सोल है वो है पैन की, तो वो तो यहाँ पे लड़कियों की तरह ही बिहेव करेगा। तो जो होता है ना, वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। डॉक्टर से कहता है नहीं, मुझे आपसे कोई सवाल और कोई मतलब कुछ नहीं पूछना है। तभी हम देखते हैं जो वे होता है ना, वो कहने लग जाता है डॉक्टर से कि जिस तरह से ये अभी बिहेव कर रहा है, क्या वो आपको नॉर्मल लगता है? तो यहाँ पर डॉक्टर हंसते हुए उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है जब एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो उसके बाद पेशेंट थोड़ा स्ट्रेस में होता है, कन्फ्यूज्ड होता है, तो वो इस तरह से बिहेव करने लग जाता है। बट ये कोई सीरियस बात नहीं है, ये नॉर्मल है। तो फिर यहाँ पे डॉक्टर कहने लगता है कि अब मैं चलता हूँ। हम देखते हैं कि डॉक्टर उन दोनों को अकेला छोड़ के चला जाता है। तो जो वे होता है ना, वो कहने लग जाता है किम से कि थैंक गॉड तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ना ही कोई बड़ी समस्या है, यानी कि आगे के लिए हेल्थ के लिए, ये देखकर मुझे खुशी हो रही है। तो हम देखते हैं जो किम के अंदर जो पैन की सोल है, वो थोड़ी नर्वस होती है उससे, क्योंकि यार वो तो उसका आइडियल है एक तरह से। तो यहाँ पर ना वो पानी पीना शुरू कर देती है। हम तभी देखते हैं जो कि एंजल होती है ना डेथ वाली, वो बहुत ज़्यादा क्लोज आके खड़ी हो जाती है वे के, और वहाँ पे उसे किस करने के लिए मतलब ट्राई करने लगती है। ये देखकर वहाँ पे किम जो है ना, वो अपने उस ग्लास को एकदम डाल देता है और एकदम से किक मारता है उस एंजल को, जिससे हमें दिखाया जाता है कि एंजल दूर चली जाती है। लेकिन साथ में जो इस सब को देख के जो वे होता है ना, वो एकदम से अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और कहता है किम से कि ये क्या कर रहे हो तुम। जब वे उससे पूछता है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, तो वो कहने लगता है कुछ नहीं, एक्सीडेंट हुआ ना तो मेरे पैर थोड़े से मतलब स्ट्रेच से फील करे, बस मैं ऐसे ही स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो जो वहाँ पे एंजल होती है डेथ वाली, वो कहने लगती है अच्छा तो तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो मुझसे। हम देखते हैं वो एंजल आके पीछे से हग करने लग जाती है वे को। ये देख के वहाँ पे किम को और भी ज़्यादा अजीब लगता है और वो फिर से एक किक मारता है जिससे एंजल तो दूर चली जाती है, लेकिन ये देख के फिर से पूछने लग जाता है वे कि हुआ क्या है तुम्हें, ये सब क्या कर रहे हो तुम, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो तुम। तो हम देखते हैं किम जो है ना उठ जाता है कह लीजिए, या फिर उठ जाती है क्योंकि पेन की सोल है उसमें। उसे देख के ना वहाँ पे वे कहने लग जाता है कि कहाँ जा रहे हो तुम। तो किम कहता है रुको एक मिनट बस। हम देखते हैं कि किम जाता है एंजल के पास और उसका हाथ को पकड़ के फोर्सली उसे खींच के ले जाने लगता है रूम से। लेकिन गाइस, यहाँ पे एक अजीब बात है। अजीब बात ये है कि वो यहाँ पे एंजल को देख पा रहा है सिर्फ और सिर्फ किम, लेकिन जो वे होता है ना, उसे कुछ नज़र नहीं आता। उसे तो ये लगता है कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है और इस तरह से क्या मतलब चलने की कोशिश कर रहा है। वो तो कंफ्यूज होता है इस तरीके से देख के वहाँ पे किम को। आगे हमें दिखाया जाता है जो किम होता है ना, वो साइड में ले जाता है उस एंजल को और उसे कहने लग जाता है कि तुम दूर रहो वे से, समझ आया तुम्हें। तो यहाँ पे वो जो एंजल होती है ना, वो यहाँ पे किम से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, कहती ओ माय गॉड तुम मेरे इतने क्लोज आ गए हो, मेरा जो हार्ट है ना वो सिक करने लगा है, मतलब कि धड़कने लगा है, और उस पर मतलब उसके टच करने लग जाती है। तो यहाँ पर एकदम से पीछे हो जाता है किम, कहता है ये सब देख के वहाँ पे किम उसे कहने लग जाता है कि ये क्या कर रहे हो, ये सब मत करो और टाइम वेस्ट भी मत करो, जल्दी से तरीका ढूंढो कि किस तरीके से तुम मेरी सोल को मेरी बॉडी में वापस भेज सकते हो। हम देखते हैं कि वो आगे कहने लग जाता है कि मैं खुश हूँ कि मैं पीबे के क्लोज हूँ, लेकिन पीबे को डिजर्व करता है सिर्फ किम और कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, समझे तुम इस बात को। जो एंजल होती है ना, वो कहने लग जाती है उसे समझ गई मैं, लेकिन एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, इस समय ना जो तुम्हारा ये टाइम चल रहा है, किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए गलती से भी कि तुम किम नहीं हो बल्कि तुम्हारी बॉडी में पैन है, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। वैसे ही जो है हमारे नेचर का रूल है वो बहुत बदल चुका है क्योंकि तुम उसकी बॉडी में आ गई हो। तो ये सुन के वहाँ पर थोड़ा सा डरा डरा सहमा सहमा हो जाता है और वो उसे कहने लगता है लेकिन मैं
पी किम नहीं हूँ। तो वो एंजल कहने लगती है, मैं जानती हूँ लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुमने ये सच्चाई बाहर आने दी तो बहुत बुरा होगा, हो सकता है कि मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़े इस दुनिया को बचाने के लिए। एंजल कहने लग जाती है कि दुनिया को बचाने के लिए किसी सोल को, मतलब दूसरी बॉडी से दूसरी बॉडी में स्विच करने से अच्छा है कि मैं उसे ख़त्म ही कर दूँ। तो यहाँ पे वो कहने लग जाता है ये बात सुन के, क्या तुम मार सकते हो किसी को, लेकिन तुम तो सिर्फ आत्माओं को ले जाती हो। तो हम देखते हैं उसकी ये बात सुन के ना एंजल मैजिक से अपने हाथ में एक वेपन सा लेके आ जाती है, यानी कि एक हथियार, और फिर उसकी तरफ उसे चलाती है, जिससे ना किम डर जाता है और अपनी आईज़ क्लोज कर लेता है। लेकिन देखता है जब उसकी आँखें खुलती है कि एक छिपकली होती है जिसके दो हिस्से हो जाते हैं जो कि ज़मीन में पड़ी होती है, और उसे देख के डर जाता है। तो यहाँ पे ना एंजल उसे काफ़ी गुस्से में कहने लग जाती है कि मैं हूँ एंजल ऑफ डेथ, जो लोगों की जान लेती हूँ। तो उसको इस तरह से देख के यहाँ पे थोड़ा डर सा हो जाता है किम। तो वो एंजल कहने लगती है, आई तुम्हें मेरी बात समझ में, इन बातों को भूलना मत, तो मैं जाती हूँ। तो वो हमें ऐसा लगता है कि जाने वाली है लेकिन नहीं जाती है, और एकदम से रुक जाती है और कहने लग जाती है, अच्छा जब हम दोनों यहाँ पे अकेले ही हैं तो क्या मैं, और वो ना उसके नीचे के पोर्शन को काफ़ी ध्यान से देखने लग जाती है और कहती है, क्या मैं देख सकती हूँ। तो एकदम से वहाँ पे किम चिल्लाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकती तुम। कहने लग जाता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ पीवे का है। तो कहने लग जाता है, सिर्फ इसे पीवे देख सकता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो एंजल कहने लगती है, अच्छा इसे तुमने अपने लिए बचा के रखा है, तुम देखना चाहते हो। तो यहाँ पे वो कहता है, नहीं मैं नहीं देखूंगा। इस तरीके से वो लोग यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो एकदम से एंजल कहती है, अच्छा तो फिर तुम पी कैसे करोगे, यानी कि वॉशरूम कैसे जाओगे एक तरीके से। तो हमें दिखाया जाता है आगे सीन में कि जो किम होता है ना वो टॉयलेट के सामने खड़ा रहता है। सो हम देखते हैं कि वो नॉर्मल तरीके से उस टॉयलेट को यूज़ करता है और काफ़ी रिलैक्स होता है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि मैं हूँ पी किम की बॉडी में, इसका मतलब है कि पी किम होंगे मेरी बॉडी में। बस क्या, फिर ये सोचते ही वो वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देती है और उस रूम से भागकर जाती है दूसरे रूम में। वहाँ पे दिखाया जाता है कि पैन की बॉडी होती है जो कि बेड पे लेटी हुई होती है, वहाँ पे होते हैं उसके डैड और साथ में सोडा होती है। तो यहाँ पर पी किम पूछने लग जाता है कि क्या ये अभी भी बेहोश है। तो यहाँ पर उसके डैड कहते हैं पैन के कि हाँ डॉक्टर्स ने कहा है कि ये बेहोश है, लेकिन ये वैसे बिल्कुल ठीक है, कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। तो उसके डैड कहने लग जाते हैं कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि पी किम के पीछे पीछे वहाँ पर पी वे भी आ जाता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो किम है ना, एक्चुअली उसमें तो पैन की बॉडी है, किम कहाँ है। यहाँ पे हम देखते हैं जो किम है ना वो काफ़ी ध्यान से देखने लग जाता है। तो दोस्तों वो है तो पैन, तो वो एक तरह से अपनी बॉडी को इस तरह से देखकर ही बहुत ज़्यादा शॉक में होती है और ध्यान से देख रही होती है। तो जो पैन के डैड होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। और जो पैन है ना वो एक फ़ाइटर है, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी होश में आ जाएगी। साथ में वो यहाँ पे कहते हैं उससे कि तुम इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को दोष मत देना, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। यहाँ पे उनकी ये बातें सुन के उससे कहने लग जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मतलब सब बातें समझ जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो उसके फादर होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि जो पैन है ना उसकी मदर कहा करती थी मरने से पहले कि किसी भी पर्सन को अपनी ज़िंदगी गिल्ट के साथ नहीं बितानी चाहिए, लेकिन मैं उसकी इस बात को कभी नहीं समझ पाया और हमेशा ही मैं ऐसे ही जीता था और हमेशा अनहैप्पी होता था। हम देखते हैं कि जब वो इस तरह से उससे कह रहे होते तो काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है उन्हें किम, साथ में फिर वो कहने लग जाते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम इस तरह से फील मत करना, क्योंकि जहाँ पे तुम खड़े हो ना उस सिचुएशन को मैं अच्छे से जानता हूँ बेटा। तो बस मैं यही कहूँगा कि तुम गिल्टी फील मत करो और अपनी लाइफ में कोई भी गिल्ट लेके आगे मत बढ़ना। और कहने लग जाते हैं कि देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सोडा होती है ना वो भी कहने लग जाती है पी किम से, सही कहा अंकल ने पी किम, तुम चिंता मत करो, मुझे भरोसा है कि जो पैन है ना वो बिल्कुल ठीक है और वो जल्दी से होश में आ जाएगी। हम देखते हैं सोडा को जो कि वहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल होने लगती है और कहती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। सोडा से ये सब बातें सुन के वो वहाँ पे उसे बड़े ध्यान से देखने लग जाती है। सोडा आगे कहती है कि तुम चिंता मत करो पी किम, मुझे भरोसा है कि पैन बिल्कुल ठीक है और वो जल्दी ही होश में आ जाएगी। और आगे कहने लग जाती है, एक छोटा सा बाइक एक्सीडेंट ही तो था, मुझे भरोसा है अपनी दोस्त पे कि वो बहुत जल्द वापस आएगी, यानी कि यही कि वो बहुत जल्दी होश में आएगी। तो ये सब कुछ सुन के ना वहाँ पे थोड़ा स्माइल करता है किम और फिर उसे कहता है सोडा, जैसे ही वो उसका नाम लेता है तो जो सोडा होती है ना वो एकदम कहने लगती है कि पी किम आपको मेरा नाम कैसे पता। तो जो किम होता है ना उसके हाथ में होती है वो स्ट्रेस रिलीव करने वाली बॉल,
वो उसके हाथ से गिर जाती है। वो शॉक्ड होके देखने लग जाता है अंकल और वे को भी। वो पूछती है कि आप मुझे जानते हैं क्या। तो यहाँ पे जब वो इस तरह से सब लोग उसे देखने लग जाते हैं शॉकिंगली तरीके से, तो यहाँ पे किम को नज़र आने लग जाती है डेथ ऑफ एंजल साथ में अपने उसी हथियार के साथ, और उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। अगर वो सच बता दे कि मैं किम नहीं पैन हूँ तो अभी उसको मतलब किल कर देगी इस तरीके से। तो यहाँ पे वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और फिर कहती है कि मुझे ना तुम्हारा नाम इसलिए पता है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जिसे तुम पे सीक्रेट क्रश है। तो ये जान के वहाँ पे एकदम शॉक हो जाती है सोडा, कहती है क्या। तो यहाँ पे एक तरह से वो सिचुएशन को संभाल लेता है और वो जो एंजल होती है ना वो वापस जाने लगती है। लेकिन तभी जो वे होता है ना वो उसकी जो होती है बॉल जो गिर जाती है उसके हाथ से, उसे उठा के उसके हाथ में रखता है। तो यहाँ पे किम उसे कहने लग जाता है मैंने सही कहा ना वे। तो वे उसे कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। फिर क्या दोस्तों, वो जो एंजल होती है वो वापस एकदम उसकी क्लोज आ जाती है और एकदम से उसके गर्दन पर रख देती है उस हथियार को। तो यहाँ पर हमें तो दिख रहा है कि हाँ रख दिया है, साथ में जो मतलब किम है एक तरह से किम या फिर पेन कह लीजिए, उसे भी फील हो रहा है कि मेरी गर्दन पे कुछ रखा हुआ है और वो काफ़ी डर जाता है। लेकिन जो बाकी होते हैं सोडा वे और वो जो वहाँ पे अंकल है मतलब पेन के फादर, उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये इस तरह से चिल्ला क्यों रहा है और इस तरह से इतना डरा डरा बिहेव क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे वो जो एंजल होती है ना वो कहने लग जाती है क्या तुम मरना चाहते हो, क्या तुम इन्हें सच्चाई बताने वाले हो, अगर तुम इन्हें सच्चाई बताओगे तो मैं तुम्हें अभी किल कर दूँगी। तो यहाँ पर ना इतना ज़्यादा डर जाता है किम और साथ में उसे सब देख रहे होते हैं इतने ध्यान से। तो यहाँ पे वो ड्रामा करने लग जाता है कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चेक करा रहे हैं, मुझे शायद अपने रूम में जाना चाहिए। तो वो वहाँ से निकल जाता है उस रूम से। हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे वे भी आ जाता है वहाँ से। तो वे उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम वीकनेस फील कर रहे हो, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए व्हील चेयर लेके आऊँ, उस पर बैठ जाना। तो यहाँ पर मना कर देता है कि मुझे नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे अपने रूम में जाकर रेस्ट करना है। तो जो वे होता है ना वो उससे कहने लग जाता है सुनो मेरी बात, अगर तुम कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो तो उसके बाद तुम जल्दबाजी मत करना उसको लाने की, कुछ दिन के लिए तुम छुट्टी ले लेना और रेस्ट करना प्रॉपरली ताकि तुम ठीक हो जाओ। और वो आगे कहने लग जाता है तुम क्लासेस और असाइनमेंट की चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मदद करा दूँगा वो सब कराने में। तो ये सुन के ना वहाँ पे उसे कहने लग जाता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं और तुम साथ में स्कूल वापस जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सुन के उससे कहता है वे हाँ, क्योंकि तुम जैसे जीनियस को स्कूल खोना नहीं चाहता, इसलिए उन लोगों ने मुझे स्कूल से नहीं निकाला है तुम्हारी वजह से, और हम दोनों को फिर से मतलब स्कूल आने के लिए परमिशन दी है। तो यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता है किम और फिर उस मोमेंट को याद करता है, रियल वाले मोमेंट को, जहाँ पे जब हम देखते हैं कि वे को स्कूल से निकाला जा रहा होता है पनिशमेंट के तौर पे क्योंकि उसने फाइट की थी। तो वहाँ पे ना उसे बचाने के लिए जो किम होता है वो कहता है कि अगर आप लोग इसे निकालेंगे तो मैं भी इसके साथ जाऊँगा, अगर मैं जाता हूँ तो आपके स्कूल ने जितने भी अब तक अवार्ड वगैरह जीते हैं, जितनी भी रेपुटेशन बनाई है वो भी सब चली जाएगी, क्योंकि जो भी स्कूल में अवार्ड्स जीत के लाता था सबसे ज़्यादा जीतने वाला स्टूडेंट किम था क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट और जीनियस था। तो यहाँ पर मजबूरन टीचरों को उसके डिसीजन को मानना पड़ा और दोनों को ही मतलब एक तरह से पी किम को स्कूल में रखने के लिए उन्होंने वे को भी स्कूल में रहने दिया, उसे नहीं निकाला। तो वो स्माइल कर रहा होता है तो यहाँ पे उसे देख के वे कहने लगता है अरे जल्दी चलो, तुम्हारी वजह से ना ये सब कुछ जो हुआ है, मुझे जल्द जाना होगा प्रैक्टिस के लिए मतलब बास्केटबॉल की, उसे ऐसे कहता है। फिर कहने लगता है चलो तुम चल के रूम में रेस्ट कर लो, और हाँ तुम्हारा लिटिल भाई आया तुमसे मिलने के लिए। ये सुन के वहाँ पे वो एकदम रिएक्ट करता है क्या मेरा भाई, क्योंकि दोस्तों वो है तो पेन, उसे क्या पता कि जो किम है उसका भाई है बहन है या फिर नहीं है, कुछ नहीं आइडिया उसे उसकी लाइफ के बारे में और उसके रिलेशंस और उसकी फैमिली के बारे में। तो इस तरह से रिएक्ट करता है, उसके इस रिएक्शन को देख के ना वहाँ पे वे कहता है क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हें अपना भाई भी याद नहीं है। हम देखते हैं जैसे ही वो रूम का गेट खोलता है तो हमें वहाँ पे उसके भाई को दिखाया जाता है किम के। तो दोस्तों किम का भाई और कोई नहीं बल्कि खेत है, और खेत को देख के वहाँ पे पी किम की बॉडी में पेन है ना वो इतनी शॉक होती है, कहती क्या खेत है छोटा भाई पी किम का। सो दोस्तों इस तरह से वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है कि किम जो है उसका भाई निकला खेत, जो कि उसका एक तरह से क्लासमेट है, उसका फ्रेंड भी है। तो दोस्तों ये जान के पेन की जो भाई है किम का वो और कोई नहीं खेत है, वो काफ़ी हैरान और परेशान है। कहानी आगे क्या मोड़ लेगी ये जानना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। मुझे तो ये सोच के मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है एक तरीके से कि जो पेन है वो किस तरीके से सर्वाइव करेगी किम की बॉडी में, और आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के ड्रामा म्यूजिक से जुड़े रहिए,
और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम अपने अगले पार्ट में जानेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।